माफिया उसे सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के संबंध में किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। आज भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों वर्ग कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने निम्न बिंदु की मांग करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई। हमारे जनपद रामपुर में 2000 बीएल फार्म है निजी नलकूपों के, 2000 बीएल फार्म यानी 2000 ट्यूबवेलों के निजी नलकूपों के कनेक्शनों के आवेदन पत्र हैं जिनकी रसीदें कट चुकी हैं, लेकिन इस साल शासन ने 500 कनेक्शन दिए हैं किसानों के लिए। 1500 कनेक्शन की हमें नितांत बहुत आवश्यक जरूरत है। हम डीएम साहब से ये भी कहने आए हैं कि एक पत्र लिख के शासन को अपने स्तर से भेजिए कि हमें कनेक्शन शीघ्र ही किसानों को उपलब्ध कराए जाएं जो अपनी भराई कर सकें किसान। तीसरा हमारा मुद्दा है किसानों का कि भू माफिया पूरे जनपद रामपुर में बहुत बुरी तरह से हावी हैं और भू माफियाओं के अंडर में कम से कम लगभग 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि उनके कब्जे में है, जो जोत रहे हैं बो रहे हैं और मुद्दा जो है प्रशासन और तहसील की मिली भगत से उसमें फसल उगा रहे हैं और गुंडागर्दी पर उतारू हैं। यहाँ तक की बात है कि यहाँ आवासीय क्षेत्र में नगर रामपुर के ये ग्राम कास्का में 140 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है, इसके तोड़ने के ध्वस्त होने के आदेश और खाली कराने के आदेश हो गए, लेकिन प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है, कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ली जा रही है, नहीं लाई जा रही है, क्योंकि हमें ऐसा पता चल गया है कि भू माफियाओं के सामने ये प्रशासन घुटने टेके हुए है, अपनी कुछ कार्रवाई अमल में लेकर नहीं आ रहा है। आज हम ये बताने आए हैं कि सीख ही अगर भू माफियाओं के अंडर से ये भूमि निकाल कर गरीबों को पट्टे पर ना दी गई तो हम ये अनिश्चितकालीन अपना देंगे। और जैसे पहले टाइम में हमने गांव बसाने के लिए यहां कलेक्ट्रेट में पशु बांधे थे, कंडे थपाए थे डीएम कार्यालय में, हम वही गांव किसान गांव इस कलेक्ट्रेट को बना देंगे। हर हालत में जितने भी बेरोजगार किसान हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो पलान कर करके बाहर मजदूरी करते हैं और यहाँ भू माफिया जमीन जोत रहे हैं, ऐसे किसानों को इकट्ठा करके संपर्क करके हम ला के यहाँ बहुत मई पशुओं के धरना देंगे, बहुत बुरी हालत बना देंगे इसकी और पूरा किसान गांव बना देंगे इसका चेहरा।